सो हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो के साथ। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पार्सल आ गया आपका। ऐसे क्या मंगाया था आपने? ये क्या है इसके अंदर? ये पार्सल मेरे हाथ में थे, फिर बताता हूँ। नहीं पहले बताओ फिर दूंगा। ऐसे तो नहीं होता है। तू सीधे मेरा पार्सल दे रहा है या नहीं? नहीं भाई दे, नहीं दे, नहीं भाई दे, भैया नहीं दे, वरना नेक्स्ट टाइम से तेरे को अपने वीडियो में नहीं लूंगा मैं। मतलब भाई दे ना, मेरा पार्सल दे ना भैया, नहीं ना मेरे से पार्सल मत मांगो। चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। भाई वो मेरा पार्सल है, मैंने मंगाया है, पैसे भी मैंने दिए हैं, तो तू क्यों रखे भाई? बिकॉज इट्स माई चॉइस। भाई प्लीज मेरा पार्सल वापस कर दे मुझे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। लो आपका सड़ा सा पार्सल। थैंक गॉड मुझे अपना सड़ा सा पार्सल मिल गया। सड़ा सा थैंक गॉड मुझे अपना पार्सल मिल गया, नहीं तो ये पक्का खराब कर देता। वैसे भैया आपके सड़े से पार्सल में आखिर है क्या? मेरी सड़े से पार्सल में सड़ा सा मेरे इस पार्सल में पेपर है, जो कि आटो के पेपर है। एक साइड रफ होता है और एक साइड काफी स्मूथ होता है, तो काफ़ी मतलब महंगा है ये पेपर। और ये पेपर है 300 का, इसमें टोटल 20 शीट्स हैं और अप्रोक्सीमेटली एक शीट का, एक पेपर का मेरे को 15 रुपीज़ के आसपास का पड़ा। सो 20 पेपर के हो गए 300 रुपीज़। हमारे मतलब आपको मत सिखा भाई, 300 का पेपर यूज़ कर रहे थे भैया, 300 का पेपर मंगाया इन्होंने, इसीलिए रो रहे थे इतना। सो गाइज इसकी बातों पे, चुम्मी भाई की बातों पे ध्यान बिल्कुल ना दिया करो। ये बिल्कुल भी सड़ा सा पेपर नहीं है, ये पेपर काफ़ी महंगा पेपर है, 300 रुपीज़ का पेपर है और 180 GSM का पेपर है, जो कि सौरभ जोशी यूज़ करते थे। और अगर आप आर्ट के फील्ड से आते हो तो फिर आपको पता होगा कि 180 GSM पेपर मतलब कितना मस्त होता है। सो पेपर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है मैंने सुना है, बट आज ट्राई करते हैं। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग कर ली हमने और ये है कुछ ये पेपर, और इस पे जो है ये आटो का पेपर है, 180 GSM का पेपर है। तो इसमें दो साइड्स हैं पेपर के, तो वैसे दो ही साइड्स होते हैं। तो एक साइड ये जो साइड है वो पूरा प्लेन सरफेस है और ये पूरा रफ सरफेस है। तो चलो इससे कुछ आर्ट वर्क ड्रॉ करते हैं जल्दी से। सो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पेपर है इस पे सौरभ जोशी का ही जो ये ड्राइंग का प्रिंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना सौरभ जोशी को ही ड्रॉ किया जाए, तो देखते हैं कि हमसे कुछ किस तरह से ड्रॉ पाता है। सो गाइस लेट्स सी, सौरभ जोशी का स्केच बना ही रहे तो अच्छे से बनाना, मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। अच्छे से नहीं बना तो आगे का तो आप सोच ही लेना, सोच लिया ना। सो गाइस देखते हैं भैया कुछ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो मैं तो देख ही रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में जज भी करना है। सो आप भी देखो।
Mm-hmm.